हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पंचावयव वाक्य। क्या होता है, जैसे इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि पंचावयव जो वाक्य है उसका रिसर्च में क्या इम्पोर्टेंस है, तो हमें क्या बताना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पंचावयव वाक्य क्या होते हैं। पंचावयव, जैसे नाम से पता चल रहा है, पंच अवयव है, यानी पांच चीजें इन्वॉल्वमेंट, दैट इज प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। तो प्रतिज्ञा क्या होता है, पहले अगर आपको एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है पंचावयव वाक्य, तो ये बता दिया कि पंचावयव वाक्य में ये चीजें इन्वॉल्व है, प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, उपनय और निगमन। तो प्रतिज्ञा के बारे में आप क्या बताओगे, प्रतिज्ञा क्या होता है, प्रतिज्ञा नाम साध्य वचन। प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम, प्रतिज्ञा क्या होता है, साध्य वचनम, यानी जो हमने चीज सिद्ध करनी है उसको बोलते हैं प्रतिज्ञा। जैसे अगर आपको कोई चीज प्रूव करना है तो आप उसके पहले प्रतिज्ञा लेते हो। जैसे आपको सिद्ध करना है कि जो पुरुष है वो नित्य है, तो आपने ये प्रतिज्ञा की कि पुरुष नित्य है, तो ये प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम। नेक्स्ट आता है हेतु, हेतु नाम उपलब्धि कारणम, उपलब्धि कारणम, जो आपने प्रतिज्ञा की है या जो आपने मतलब प्रतिज्ञा किया, सॉरी, उसमें उपलब्धि हेतु क्या है, कारण क्या है, वो ही आपने प्रतिज्ञा क्यों की, तो जो रीजन है वो होता है हमारा हेतु। जो हेतु है वो चार प्रकार का होता है, यानी जो हेतु नाम उपलब्धि कारणम है ये चार प्रकार का है, जैसे प्रत्यक्ष के द्वारा, उपमेय, अनुमान और एति है, मतलब जो हमारे ये वो होते हैं ना परीक्षाएं हैं, जो जैसे आप्तोपदेश हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, अनुमान, और इसमें युक्ति की जगह क्या है, उपमान को, इन चारों को ऐड करके हेतु बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा दृष्टांत, नेक्स्ट आता है दृष्टांत। दृष्टांत में क्या है, दृष्टांतो नाम यत्र मूर्ख विदुषाणाम बुद्धि साम्यम, जो मूर्ख है और विदूषित है, यानी शिष्य जो होते हैं वो हर प्रकार के होते हैं। जैसे जो स्टूडेंट है, हर कोई इंटेलिजेंट भी नहीं हो सकता, हर कोई मूर्ख भी नहीं हो सकता, तो जो मूर्ख है और विदूषित है, जिसको कोई चीज समझ नहीं आती जल्दी, या फिर जो ज्यादा इंटेलिजेंट है, उन दोनों को जिस चीज से समझ आता है, दैट इज दृष्टांत। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, हम एक एग्जाम्पल देके बोल देते हैं, दैट इज नोन एज दृष्टांत, यानी जो उदाहरण है वो हो गया दृष्टांत। फिर आता है उपनय, आपने पहले प्रतिज्ञा की, फिर उसका कारण बताया कि आपने ये प्रतिज्ञा क्यों की, फिर आपने एग्जाम्पल देके बताया कोई, जैसे मैंने बोला था कि पुरुष नित्य है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल दोगे, जैसे आकाश जो है वो भी नित्य होता है, आकाश नित्य होता है, फिर आप उपनय में क्या करोगे, आपने जो एग्जाम्पल दिया है और जो प्रतिज्ञा आपकी, उन दोनों को कंपेयर करके बताओगे, जैसे कि आकाश नित्य है ना अगर, तो इसी प्रकार पुरुष भी नित्य है, तो ये हो गया हमारा उपनय। तो उपनय क्या लिखोगे, आपकी उदाहरण के अनुसार जो भी साध्य होता है उसका समर्थन करना, उदाहरण के अकॉर्डिंग जो साध्य है उसको समर्थन करना उपनय होता है। नेक्स्ट आता है निगमन, निगमन क्या होता है, प्रतिज्ञा या पुनः वचनम निगमन, जो प्रतिज्ञा है उसको पुनः बोलना, जैसे हम जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं लास्ट में लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, किस चीज से प्रूव हुआ, फिर दोबारा चीज वही लिखते हैं, एक्स इज इक्वल टू दिस 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 ऐसे, तो सॉरी, इसी प्रकार से हमें क्या बोलना है, जैसे यहाँ किया था कि पुरुष नित्य है, तो आपने एग्जाम्पल दे दिया, उपनय भी बता दिया, फिर आप निगमन में क्या लिखते हो, अर्थात पुरुष नित्य है, यानी जो प्रतिज्ञा थी उसी को आपने दोबारा से बता दिया, दैट इज निगमन। तो जो रिसर्च है उसमें यूजी के अंदर अलग से कोई ऐसे टॉपिक नहीं है कि पंचावयव वाक्य का रिसर्च में क्या इम्पोर्टेंस है, पर हम इसको जो रिसर्च प्रोसीजर है उससे कंपेयर करके लिख सकते हैं। अगर आपको आता है पंचावयव वाक्य, तो आपने सबसे पहले यही लिखना है कि ये पांच होते हैं, प्रतिज्ञा क्या होता है, हेतु क्या है, दृष्टांत क्या है, उपनय, निगमन, इनकी डेफिनेशन लिख के फिर आप रिसर्च में लिख सकते हो। कि जैसे रिसर्च प्रोसीजर में भी हम सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम जो होता है हमारा, एक प्रॉब्लम को हम सेलेक्ट करते हैं, या फिर कोई भी हमने चीज प्रूव करनी है, दैट इज प्रतिज्ञा, ठीक है।
आपने प्रूव करना है कि आपकी जो कोई भी मेडिसिन है, सपोज ड्रग है ए, ये जो ड्रग ए है ये डायबिटीज के लिए, सपोज एग्जांपल दे रही हूँ आपको कि डायबिटीज मेलिटस में ड्रग ये है वो बेस्ट है, अच्छी है, अच्छा काम करती है, तो ये आपकी प्रतिज्ञा हुई, ठीक है, सिलेक्ट किया आपने ये प्रॉब्लम कि मैं ये प्रूव करूंगा कि जो ड्रग ए है वो डायबिटीज मेलिटस में अच्छी है, ये आपकी प्रतिज्ञा हुई। हेतु क्या है, आपने यही प्रॉब्लम क्यों सिलेक्ट की, जो आप उसमें हेतु जो आप आपका रीजन दोगे जिससे औरों को समझ जाएगा कि आपने यही क्यों प्रॉब्लम सिलेक्ट की, दैट इज हेतु। फिर आप उसमें कुछ दृष्टांत दोगे, मतलब एग्जांपल दोगे, जैसे आपको जब भी कोई रिसर्च करनी है किसी ड्रग पे या किसी भी फॉर्म में, तो आपको पेशेंट दिए जाएंगे, जैसे कि आपको ये रिसर्च करनी है 30 पेशेंट आपने लेते हो, आप जिनमें से 15 या 20 पेशेंट को ये ड्रग देके देख रहे हो, अदर को 15 को दूसरी ड्रग दे रहे हो, तो ये आपका दृष्टांत के अंदर आता है कि आप विद एग्जांपल उसको प्रूव कर रहे हो कि मैंने ये ड्रग ऐसे ऐसे इस पेशेंट को दी थी तो इसमें ये हुआ उसमें वो हुआ, तो वो आपका दृष्टांत होता है, ठीक है। फिर आता है उपनय, यानी आपने ये ड्रग दी तो आप उसके बारे में कंपेरेटिव जो आपकी स्टडी है वो उपनय है, और लास्ट में जब आपकी वो जो हाइपोथेसिस है या जो आपने अपना प्रतिज्ञा ली थी कि जो ड्रग ए है वो डायबिटीज मेलिटस के लिए अच्छी है, तो आप उसको लास्ट में फिर बताओगे कि जैसे सपोज आपने 20 पेशेंट पे की कि ये ड्रग ए दिया, बाकी को कोई और ड्रग दिया 10 को, तो उनको ज्यादा बेनिफिट हुआ है, यानी तो आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो प्रूव हो रही है, तो लास्ट में फिर आप लिखोगे हैंस जो ड्रग ए है इज बेटर या इज गुड फॉर डायबिटीज मेलाइटिस या इफेक्टिव फॉर डायबिटीज मेलाइटिस, ये हो गया आपका निगमन। तो ये हो गया हमारा 5वां वाक्य। थैंक यू।